वाला बुद्धू नहीं, बुद्ध होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्तित्व है। और जितने आज कथा सुन रहे, एक बात जिंदगी में नोट करके जाना, तीन के चरणों में जीवन समर्पित कर देना, मां बाप और गुरु, यही धरती के भगवान। ये धरती के ईश्वर हैं, याद रखना। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी, बहुत लोग आलोचना करते हैं, क्या करें। जितने युवान यहां पर बैठे हैं ना, आपकी कोई आलोचना करता है आप मौन हो जाओ। आलोचना का जवाब है मौन। सहना सीखो, बढ़ना है तो सहो। बढ़ने की अगर तुम्हारे अंदर उड़ान भरने की, बुरा मत मानिएगा। आपने कभी सफर किया हो ट्रेन पर, कितना भी लगेज ले जाओ, कभी ट्रेन वाला तौलता है लगेज को? बोलिए हाँ या ना। बस में कितना भी लगेज यानी सामान ले जाओ, क्या वो तौलता है? नहीं। लेकिन एरोप्लेन, हवाई जहाज पर जब भी तुम चढ़ोगे, वो तौलेगा लगेज कितना है। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जिसे उड़ना पड़ता है ना, उसे अपने साथ सामान कम लेकर चलना पड़ता है। तो कोई आलोचना कर रहा तो करने दो, तुम्हें अगर उड़ना है तो तुम मौन होना और सहना सीख जाओ। सहनशील बनो। मौन को में वो ताकत है कि किसी भी शत्रु को परास्त किया जा सकता है। आप घबरा जाते हो, कोई कुछ बोलता है तमतमा जाते हो, पतका भाव अपने बल को दिखाने लगते हो। बल का प्रयोग करना है तो किसी आलोचक के लिए बल का प्रयोग क्या करना? बल का प्रयोग करना ही है तो जिंदगी में सफलता पाने के लिए बल का प्रयोग करना। बहुत आगे बढ़ना है तो अपने बल का प्रयोग किसी के पीछे मत पड़ो। और आजकल जिंदगी में आप लोग सबसे ज्यादा ऊर्जा आसपास आलोचना करने वाले लोगों में तुम खर्च कर देते हो। कौन क्या कह रहा, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने मुझ पर हंसा क्यों, इसने मुझे डांटा क्यों, इसने मेरी अवहेलना क्यों की, इसकी वजह तुम अपनी ऊर्जा का दोहन, ऊर्जा का संशोधन करके ऊर्जा को खर्च करना सीखना है। अपने कर्तव्य में, अपने कर्म में, अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ और उसको जवाब देना ही है तो काम करके दिखा करके आप उसको जवाब दो। बुरा मत मानिए मेरे साधु, अपनी जिंदगी में आधे से ज्यादा लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, लोगों ने क्या कहा। लोग जब तक हम तुम मरोगे नहीं ना, तब तक कहेंगे। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन समझना अब बात में बंद, जो जिंदा है उसकी निंदा है। लोगों ने निंदा के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, और हनुमान जी से यह कला सीखने को मिलती है। हनुमान जी पर कौन हंस रहा? लंका में रावण के दरबार में हनुमान जी खड़े हैं, लोग ताली बजा रहे, हो बंदर पकड़ गया। कोई ताली बजा रहा, कोई धक्का मार रहा, हे बंदर पकड़ गया, बंदर की पूंछ में आग लगेगी। हनुमान जी जवाब नहीं देते, बोले रुक जाओ भाई साहब, बापू मेरा भी टाइम आएगा तब बताऊंगा। जब हनुमान जी का टाइम आया, आग लग गई, अब हनुमान जी समझ गए हमारा मौका है, तो दे पूंछ पे पूंछ। जिसने एक बार ताली बजाई की थी उसको डबल पूंछ। जिंदगी में जवाब देना सीखना है ना, तो टाइम से जियो, अभी नहीं, अपना टाइम आएगा तब बताएंगे। आज नहीं कल आएगा, ये जिंदगी गोल है, टाइम आता है, जितना उसमें बर्बाद करना है कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह आज से ही तुम अपने लक्ष्य पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कथा तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगी। इस कथा को अगर तुम जिंदगी में सहलोगे ना, सहना सीख जाओ, मौन होना सीख जाओ और कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाओ, बुलंदियां कामयाबियां तुमको चूमेगी। बढ़ो। हम किसी और की क्या कहें, हम अपनी जिंदगी के निज अनुभव कहते हैं। रोज हमारे लिए दो चार लोग बोलते रहते हैं, दो चार। कोई YouTube खोलकर बोलता है, कोई मंच लगाकर बोलता है, कई अनुसरण करते हैं। कई जो हमारे आसपास लोग हैं वो कहते थे गुरुजी क्या करना, हमने कहा बापू अभी अपना टाइम नहीं, अभी नहीं बोल रहे।
फिर बोलेंगे जब अपना टाइम आएगा बताएंगे, हिसाब किताब देना, क्योंकि ये तो हमारे इष्ट ने भी सिखाया। हनुमान जी का जब दाव लगा तो एक भी घर नहीं छोड़ा लंका में, एक भी घर नहीं, एक विभीषण करग्रह नहीं, केवल विभीषण जी का छोड़ा। उनका भी क्यों छोड़ा, क्योंकि उनके घर से कोई चंदा नहीं आया, उनके घर से कुछ भी मटेरियल नहीं आया हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए, बाकी सबके घर से आया। तो हमारे इष्ट भी इतने प्यारे हैं कि पहले सहन किया, मान किया, और जब जलाया तो ऐसा जलाया उलट पलट लंका सब जारी। आप भी जो कथा सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है व्यास पीठ से, बाहर भी सुन रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी कथा में टाइम बर्बाद होता है, क्या फायदा है? अरे मेरे प्यारे, तू कथा कभी मत छोड़ना, कथा सुनने आया कर, बैठा कर। जिंदगी में तू अगर कथा में एक भी सूत्र पर चल जाएगा ना, तेरी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। साधु, हमारा एक सूत्र है, आप सब विद्वान बैठे हो, किसी ने हमें सुनाई थी कुछ पंक्तियां। दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है, तुम्हारी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, लाखों करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। ये जिंदगी का सूत्र है। जो बहुत हंस रहा ना, बहुत दर्द छिपा बैठे उसने जिंदगी, बहुत घाव है उसकी जिंदगी में, बहुत घाव। अभी जब हम आ रहे थे ना, बहुत से युवान बच्चे, सब बच्चे, गुरुजी सीताराम धक्का खा रहे, जो पुलिस कर्मी लगे बिचारे वो भी परेशान, खुद भी धक्का खा रहे, लेकिन उनका भाव है कि एक बार गुरुजी से मिल लें। हमें भी बहुत दुख होता कि हम मिले, हमें भी लगता कि हम पकड़े हाथ, हमें भी लगता कि उसको कुछ सुनाएं, हमें भी लगता कि उसका कुछ बताएं, पर मजबूरी हो जाती। तुम लोग निराश मत होना, आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे, पक्का है मिलेंगे। और हम तुम्हें साथ शरीर मिल पाए या ना मिल पाए, हमारी जो साधना है, हमारे ऊपर जो हमारे गुरु की कृपा है ना, तुम निराश मत होना, इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना, तुम हमसे मिलने नहीं, हमारे गुरु की कृपा से मिलने चले आए हो।